Filmmaker Shashank Khaitan has said that he would love to make a film which will be based on tennis. Khaitan was interacting with the media at the launch of Tennis Premier League 2018 along with Leander, Paes and Aishwarya Bachchan on Saturday. When asked whether he would like to make a tennis-based film, he said, जी अगर हम करेंगे तो उम्मीदवार कम हैं पर बहुत अच्छे हैं लिएंडर पेस हैं यू नो सानिया मिर्जा हैं महेश भूपति हैं ये ऐसे तीन प्लेयर हैं जिन्होंने करंट जेनरेशन में या पिछले 15 से 20 सालों में बहुत कमाल किया है हमारे देश के लिए तो मैं चाहूँगा मैं देखूँगा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मुझे कहानी मिले जो टेनिस के बैकड्रॉप को शूट करे इनमें से किसी की अगर बायोपिक मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक इंटरेस्टिंग टेक है इस पर आजकल के ज़माने में क्या होता है ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में इनकी मैचेस आपने लाइव देखी इनकी पर्सनल लाइव्स तो ऐसा कुछ अगर मुझे लगा कि मैं बना सका या लिख सका या डायरेक्ट कर सका तो ज़रूर कोशिश करूँगा पर मैं चाहूँगा टेनिस पे कुछ ना कुछ हो कुछ ना कुछ बने और हमें देखने का मौका मिले Khaitan's next directorial venture is titled Run Bhoomi. It stars Varun Dhawan in lead role and is being produced by Dharma Productions. It is slated to release in Diwali 2020. IANS report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.